हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको एम्स रायपुर में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच जुलाई 2023 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 17 सितंबर 2023 को होना है और इसके रिगार्डिंग यहां पे 5th सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया है। लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एमपीएच एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 सेशन, तो ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है जो कि इनएलिजिबल हैं एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम 2023 सेशन के लिए। संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स एम्स रायपुर, जोधपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, सीयूटीपीजी, निमहान, जिपमेर, आईआईपीएच, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एमपीएच और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे लिस्ट आई है, लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एमपीएच एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 सेशन जुलाई 2023 सेशन के लिए एम्स रायपुर में 17th of September 2023 को ये एंट्रेंस एग्जाम होना है। तो यहाँ पे इसके संबंध में इंफॉर्मेशन आई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, प्रतिबंध जीई रोड रायपुर 492099 छत्तीसगढ़, वेबसाइट है www.aimsraipur.edu.in, ईमेल academics@aimsraipur.edu.in। इंफॉर्मेशन है इसमें, लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच एंट्रेंस एग्जामिनेशन सितंबर 2023। तो जो सितंबर 2023 में एंट्रेंस एग्जाम है एमपीएच के लिए, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए, उसके लिए जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन फाउंड इनएलिजिबल फॉर फोर्थ कमिंग मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 एज पर द रीजन मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। तो ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो कि इनएलिजिबल फाउंड हुए, जो कि फोर्थ कमिंग आने वाला जो एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम है 2023 में एम्स रायपुर में, और उसमें रीजन बताया गया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी एलिजिबल नॉट एलिजिबल, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। तो वो क्वालिफिकेशन है जो कि मेंशन किए गई हैं कैंडिडेट्स के द्वारा एप्लीकेशन में, और रीजन फॉर इन एलिजिबिलिटी, इसमें रीजन बताया गया है इन एलिजिबिलिटी क्यों आई है। तो सीरियल नंबर 1 से लेके 7 तक तो जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो रीजन है ये है, क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स आर नॉट एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एम पी एच मेंशन इन द एडमिशन नोटिस ऑफ एम पी एच 2023 अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ एम्स रायपुर। तो जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है एप्लीकेशन में कैंडिडेट्स के द्वारा वो नॉट एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए जो कि मेंशन की गई थी एडमिशन नोटिस ऑफ एम पी एच 2023 अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ एम्स रायपुर, एम्स रायपुर के जो एडमिशन नोटिस है उसमें जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये सही नहीं है। तो इन कैंडिडेट्स के नाम है, पहला है यहाँ पे बीरेंद्र सिंह फरतियाल, कैटेगरी अनरिजर्व है, नॉट एलिजिबल नहीं है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मेंशन की है मास्टर ऑफ आर्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। सेकेंड है दीक्षा, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, नॉट एलिजिबल, क्वालिफिकेशन मेंशन है बीएससी। थर्ड है हर्षल कृष्णा पाटिल, कैटेगरी ओबीसी एनसीएल, नॉट एलिजिबल, बीएससी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, क्वालिफिकेशन है। फोर्थ प्रिया बंजारे, कैटेगरी एससी, नॉट एलिजिबल, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, क्वालिफिकेशन है। फिफ्थ है रुखसाना, ओबीसी एनसीएल, नॉट एलिजिबल, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, क्वालिफिकेशन है। सिक्स है सुभाष्मिता बिस्वाल, अनरिजर्व, नॉट एलिजिबल, बैचलर इन प्रोथेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, क्वालिफिकेशन है। सेवन्थ है वैष्णवी नरेंद्र वैद्य, ओबीसी एनसीएल, नॉट एलिजिबल, पीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ये क्वालिफिकेशन है।
अब इसके बाद यहाँ पे जो सीरियल नंबर 8 से लेके 16 तक जो कम जो कैंडिडेट्स हैं, इनका जो रीजन है इन एलिजिबिलिटी का, वो है नॉट सबमिटेड अ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर्म ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. तो नॉट सबमिटेड अ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन, इन्होंने जो नॉट सबमिटेड सबमिट नहीं किया है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन परफॉर्मा को, फॉर्म जो कि फॉर्म को सही पूरी तरह फिल नहीं किया है ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए. तो इनके जो नाम दे रखे हैं यहाँ पे, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी एलिजिबल नॉट एलिजिबल, क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स, रीजन फॉर इन एलिजिबिलिटी. तो इसमें है 8 नंबर पे दीक्षा, कैटेगरी ओबीसी एनसीएल, नॉट एलिजिबल है, बीवीएससी क्वालिफिकेशन है. 9th है दीप्ति प्रभा दास, अनरिजर्व, नॉट एलिजिबल, फिजियोथेरेपी क्वालिफिकेशन है. 10th है डॉक्टर विनय बौद्ध, अनरिजर्व कैटेगरी है, नॉट एलिजिबल, बीएचएमएस क्वालिफिकेशन है. 11th दुर्गेश माला, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है, नॉट एलिजिबल, फार्मेसी क्वालिफिकेशन है. 12th ज्योति, कैटेगरी एससी, नॉट एलिजिबल है, बीएचएमएस क्वालिफिकेशन है. 13th कृतिका सतीजा, अनरिजर्व कैटेगरी है, नॉट एलिजिबल, बीएचएमएस क्वालिफिकेशन है. 14th रोशनी मरावी, एसटी क्वालिफिकेशन है, नॉट एलिजिबल, बीडीएस क्वालिफिकेशन है. 15th शिल्पा गजानन जयंकर, ओबीसी एनसीएल क्वालिफिकेशन है, नॉट एलिजिबल, फिजियोथेरेपी क्वालिफिकेशन है. 16th है वस्मिका नेमका पठान, तो कुछ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, अनरिजर्व क्वालिफिकेशन है, नॉट एलिजिबल है, बीएएमएस क्वालिफिकेशन है. तो इन सभी का जो बताया गया है, नॉट सबमिटेड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर्म ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, डीन एग्जामिनेशन एम्स रायपुर, 5th September 2023 का ये नोटिस है. तो इसमें जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है उनके बारे में बताया गया है. इस तरह से जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो अपना चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे. तो ये 5th September को ये नोटिस आया है, आज 5th September ही है, तो आज ही के दिन ये नोटिस आया है इसमें वेबसाइट पे. और इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें जो पहले का जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें एंट्रेंस एग्जाम की डेट मेंशन थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एंट्रेंस एग्जाम है 17th September 2023 को होगा, और जो एडमिट कार्ड इसी होंगे एम्स रायपुर एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के लिए 8th September 2023 को एडमिट कार्ड इसी हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डेट है 17th September 2023 को होना है. और इसमें जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है वेबसाइट पे. और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग जो एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि एम्स रायपुर और आईसीएमआर भुवनेश्वर के भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स, एम्स जोधपुर के लिए लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था वो 15th September 2023 को आया था, तो इसके लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम है ये जनवरी में हो सकता है, और एम्स ऋषिकेश के लिए भी जनवरी में हो सकता है. तो जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स रायपुर, आईसीएमआर भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, आईसीएमआर भुवनेश्वर, सीयूटी पीजी, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिपमेर, निमहांस, जिपमेर पुडुचेरी, निमहांस बेंगलोर, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़,
TISS मुंबई और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH, MHA और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।